हेलो एवरीवन, फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से अभी तक जो हम पार्ट कर रहे थे वो हम रियल का कर रहे थे, इससे आगे हम कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स जो नंबर है उनसे आप फैमिलियर होंगे, बट अब यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात करेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आप सबको ध्यान हो तो किस टाइप के होते थे हमारे पास, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई, जहाँ पे एक्स और वाई क्या है, रियल से बिलोंग करते थे। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जाता था। और कॉम्प्लेक्स नंबर के जो हम एक मेन बैकबोन जिसको बोल सकते हैं वो क्या हमारे पास आयोटा है। ठीक है, जो इसको डिफर करता है रियल से। तो आयोटा के बारे में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रो में बताया है कि जो हमारे पास आयोटा है वो रियल में डिफाइन नहीं होता। क्यों नहीं डिफाइन होता? क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव आए। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने कुछ मैथमेटिशियन के नाम बताए कि जैसे आयलर्स हैं, इन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया इस आयोटा सिंबल को, जिसको आप स्मॉल आई से लिखते हो, विद द प्रॉपर्टी दैट आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। उसने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था, बट उसके आगे इसको किसने बढ़ाया? गोज ने। गोज ने इसके बारे में कंसेप्ट दिया, फर्स्ट प्रूव्ड इन अ सेटिस्फैक्ट्री मैनर दैट एवरी अलजेब्रिक इक्वेशन विद रियल कोफिशियंट हैज कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस आयटा वाई। कि हमारे पास हर एक अलजेब्रिक इक्वेशन जिसके रियल कोफिशियंट हैं, कोफिशियंट रियल हैं, उसके पास हमें कॉम्प्लेक्स रूट मिलते हैं एक्स प्लस आयटा वाई टाइप के। ठीक है, उसने इसको ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट से प्रूव किया था। तो अब आगे इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में और दिया है जो आप पढ़ सकते हो अपने नॉलेज के लिए, कि आयटा आया कहाँ से और इस पर हमें क्या क्या आगे रिसर्च हुई कि जिससे आगे में डेवलपमेंट हुई। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो फर्स्ट टॉपिक करेंगे वो हम स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। लेकिन उससे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या है? अगर आप लोगों ने पहले सुना हो कि एक्सटेंडेड रियल प्लेन ऐसा कुछ सुना हो आप लोगों ने, तो आपको शायद वहां से थोड़ा फैमिलियर हो जाए। तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। इन एक्सटेंडेड रियल नंबर आर वी फ्रिक्वेंटली यूज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। सो ये हमारे पास एक्सटेंडेड रियल नंबर है। कि अगर हम रियल नंबर की बात करें, जो हमारे पास रियल नंबर होते हैं वो उसको हमें लिखते कैसे हैं? अगर आप सबने ध्यान दियो, ये होता है रियल नंबर का सेट हमारे पास, राइट? यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे हमने ओपन ब्रैकेट लगाई हुई होती है। आपने कहीं भी नहीं देखा होगा कि इन्फिनिटी पे क्लोज्ड ब्रैकेट लगी हो, हमेशा ओपन ब्रैकेट लगी होती है। तो उसका मतलब क्या, ओपन ब्रैकेट का मतलब आप सबको पता होगा कि ओपन ब्रैकेट का मतलब ये है कि इस सेट में ना तो माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड है या ना ही इन्फिनिटी इंक्लूड है। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच के सारे नंबर इंक्लूड हैं, बट माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से आते हैं एक्सटेंडेड, उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, नाम से समझ आ रहा है, एक्सटेंडेड रियल नंबर में, तो वहाँ पे हमारे पास माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी इंक्लूड हो जाते हैं। इनको हम यूनियन करके लिखते हैं ब्रेसेस में। ठीक है, तो वो हमारे पास रियल के साथ यहाँ पे लिखते हैं, फिर प्लस माइनस इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास एक्सटेंडेड रियल नंबर में जाता है। तो यहाँ इन्होंने इसके बारे में बताया कि जो सीक्वेंस है जो डाइवर्ज करती है प्लस इन्फिनिटी पे, माइनस एंड डाइवर्ज करती है माइनस इन्फिनिटी पे, और ये अनबाउंडेड है, तो इनकी जो लिमिट है, लिमिट सुप्रीमम वो इन्फिनिटी बनेगी, लिमिट इन्फिमम क्या बनेगी, माइनस इन्फिनिटी बनेगी, इस टाइप की। ठीक है, और यहाँ पे अप्रोच ने इक्वल लिखा है क्योंकि हम यहाँ पे एक्सटेंडेड की बात कर रहे हैं, तो हम अप्रोच नहीं करेंगे, वहाँ पे वो नंबर है। तो आगे इन्होंने अब यहाँ से पहुँचे कॉम्प्लेक्स प्लेन में। इन द डीलिंग विद कॉम्प्लेक्स प्लेन, हम यहाँ पे इन्फिनिटी के बारे में बात करते हैं, बट हम यहाँ पे सिर्फ इन्फिनिटी लिखते हैं विदाउट गिविंग साइन। अगर आप लोगों ने यहाँ पे अभी ध्यान दिया हो तो क्या लिखा है, वी यूज द कंसेप्ट ऑफ प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी, पर हम कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं लिखते कि प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, वहाँ पे हम डायरेक्ट इन्फिनिटी लिखते हैं विदाउट एनी साइन। क्यों लिखते हैं ऐसा? क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डरिंग होती ही नहीं है। ठीक है, अगर आप रियल नंबर में चेक करो तो आपको पता होगा कि जो दो है वो छोटा है तीन से, लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स में बात करो तीन जो है वो छोटा है चार से, ऑर्डरिंग होती है हमारे पास रियल नंबर में। ठीक है,
लेकिन हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डरिंग नहीं होती। अगर आप 2+2 आयटा की बात कर रहे हो, 3+3 आयटा की बात कर रहे हो, 2+3 आयटा और 3+2 आयटा, इस टाइप से कितने भी नंबर लिख लो, आप इन नंबर में नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इनमें ऑर्डरिंग नहीं होती, क्योंकि ये प्लेन के अंदर पॉइंट होते हैं। अगर आप कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करो तो ये प्लेन में पॉइंट होते हैं, ठीक है। इस पॉइंट की नोटेशन हो जाएगी, यहाँ से एक्स और वाई वाला ये पॉइंट ड्रा हो जाएगा। तो आप प्लेन में कोई पॉइंट यहाँ पे पड़े हैं, आप नहीं बता सकते कौन सा पॉइंट छोटा कौन सा पॉइंट बड़ा है। रियल लाइन पे तो आप बता सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे प्लेन में नहीं बता सकते, ठीक है। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स में ऑर्डरिंग नहीं होती, तो इस वजह से हम इसको कोई साइन नहीं देते। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि जो हमारे पास कॉम्पैक्ट सेट होते हैं रियल में, हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड एंड बाउंडेड। यानी कि अगर हम रियल में बात कर रहे हैं तो हमारे पास कॉम्पैक्ट सेट वो होगा जो क्लोज्ड एंड बाउंडेड हो। बट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन द इन्फेनाइट सेट दिस हैज नो लिमिट, देयरफॉर वी शैल एक्सटेंड द कॉम्प्लेक्स प्लेन सी बाय एडजॉइनिंग वन एक्स्ट्रा पॉइंट इन्फिनिटी। तो यहाँ पे इन्होंने वही बताया कि अगर हम एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करें तो आपको सिंपल क्या लिखना है, यहाँ पे हम क्या लिख रहे थे, आर यूनियन प्लस माइनस इन्फिनिटी। लेकिन अगर आप सी की बात करो तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सी आपको डालना है कैसे इसको नोटेशन को, सी डाल के बीच में से इससे कट लगाना है, यूनियन सिर्फ इन्फिनिटी। ये हमारा क्या हो गया, एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन हो गया, ठीक है। तो ये होगा, और यहाँ पे हमारे पास जो क्लोज सरफेस होगा उसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है और यहाँ पे हमें इन्फिनिटी पे एक सिंगल पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया कि जो हम ये एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात कर रहे हैं, इसको हम कंसिडर करेंगे एज अ क्लोज सरफेस हैविंग अ सिंगल पॉइंट एट इन्फिनिटी। दस एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन इंक्लूडिंग द पॉइंट एट इन्फिनिटी, ठीक है। अब आते हैं मेन आर्टिकल पे, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होती है, हमारे पास अ पर्टिकुलर मैपिंग दैट प्रोजेक्ट्स अ स्फीयर ऑन टू अ प्लेन, जो एक स्फीयर को ऑन टू मैप कर दे एक प्लेन में, वो हमारे पास क्या होगी, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन होगी। तो इसके बारे में इन्होंने काफी डिटेल से यहाँ पे बताया है, लेकिन हम यहाँ पे जो हमारा मेन काम है वही कर लेंगे। हमें सिर्फ यहाँ पे एक दो वैल्यूज की जरूरत है, फॉर्मूलाज की जरूरत है, हम सिर्फ यहाँ से वही लेंगे। तो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन कर कैसे रहे हैं, इसको थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे कि कैसे चेंज होगा। सी हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये जो यहाँ पे शेडेड दिया है ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये हमें दिया हुआ है स्फीयर। और अगर आपको पता हो कि जो प्लेन है वो 2D में होता है, जो स्फीयर है वो 3D में होता है। इन दिस मेथड वी सेट अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स प्लेन दोज ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 1/2 विद द सेंटर 0, 0, 1/2। तो यहाँ पे हम कॉरेस्पॉन्डेंस किसके बीच में करेंगे, हमें स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन करनी है। तो अभी हमने बताया कि इसमें स्फीयर और प्लेन के बीच में कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, तो यहाँ हम कॉम्प्लेक्स प्लेन लेके चल रहे हैं, जो स्फीयर लेके चल रहे हैं उसकी रेडियस हाफ है और उसका सेंटर क्या है, 1/2 है। टेंजेंट टू दिस प्लेन थ्रू द ओरिजिन कंस्ट्रक्ट ए लाइन परपेंडिकुलर टू सी। अब जो हमारे पास प्लेन था वो 2D में था, ठीक है। अब हमें स्फीयर ड्रा करना है, तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, सेंटर से हम एक थर्ड लाइन ड्रॉ करेंगे जेड एक्सिस वाली। लेट दिस लाइन जेड एक्सिस ऑफ अ 3-डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस इन विच पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे पॉइंट होंगे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो एक्स वाई जेड होंगे। कंसिडर द स्फीयर एज सेंटर दिस, ठीक है। ये हमने स्फीयर की डेफिनेशन लिख दी, जो हमारे पास स्फीयर था जिसका सेंटर था 0, 0, 1/2। इस तरह से लिखते हैं, या आप इससे फैमिलियर होंगे कि अगर हमारे पास सेंटर है मान लो किसी स्फीयर का ए बी सी और हमारे पास रेडियस है आर, तो उसको हम स्फीयर को कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस ए स्क्वेयर वाई माइनस बी स्क्वेयर प्लस जेड माइनस सी स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर। इस तरह से हम उसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे हमारे पास ए जीरो है, बी जीरो है और सी क्या है, 1/2, और आर क्या है, 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर आता है, तो इस वजह से यहाँ पे आ गया 1/4। तो इसके बाद हम डायरेक्ट अपने फॉर्मूले पे चलेंगे, यहाँ से देख लो हमें चेंज किसको करना है। ये हमारा पी कोई पॉइंट है स्क्वेयर पे, ठीक है। ये है हमारा क्यू पॉइंट प्लेन पे, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, एक्स वाई जीरो जिसके कोऑर्डिनेट है, और ये है हमारे पास स्फीयर पे पॉइंट एक्स वाई जेड। तो और इस स्फीयर को क्या बोल लेंगे, रिमान स्फीयर बोलेंगे हम, ठीक है। तो क्यू हमारे पास
पॉइंट है अदर देन इन्फिनिटी, ध्यान रखना इन्फिनिटी पे पॉइंट नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी पे पॉसिबिलिटीज चेंज हो जाती हैं। जो हम यहाँ पे यूजुअल वर्क करेंगे, अगर इन्फाइनाइट हो जाता वहाँ पे कोई पॉइंट, तो वहाँ पे चेंजेस आ जाते हैं। तो इसलिए हम पहले मेंशन करके चल रहे हैं कि जो हम एक आर्बिट्रेरी पॉइंट उठा रहे हैं वो हम इन्फिनिटी से अलग उठा रहे हैं। तो दिस इज द पॉइंट ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड इट्स इमेज ऑन द स्फीयर इज पी। जो अभी मैंने बताया कि हम स्फीयर पे पी पॉइंट लेके चल रहे हैं, वो इस क्यू पॉइंट की इमेज है और ये एंड पॉइंट है जहाँ पे हमारा जो स्फीयर है वो मीट कर रहा है, ठीक है, एक्सिस को, जेड एक्सिस को। तो ये हमारे पास वहाँ पे 001 पॉइंट है। तो ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। तो इनके लिए आप इस तरह से इक्वेशन लिख सकते हो, x माइनस जीरो स्मॉल x माइनस जीरो, y माइनस जीरो स्मॉल y माइनस जीरो, जेड माइनस वन और जीरो माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप स्मॉल x और स्मॉल y निकालो तो इनकी वैल्यू ये आएगी, यानी कि एक्स वाई किसके कोऑर्डिनेट थे, अगर आप यहाँ से देखो यही मेन चीज़ है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। एक्स वाई जीरो वाले किसके कोऑर्डिनेट थे, कॉम्प्लेक्स प्लेन के, और ये किसके थे, स्फीयर वाले के। यानी कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स के पॉइंट को देखना हो स्फीयर की फॉर्म में तो आप इस तरह से देखोगे, समझ आ रहा है ना। कैपिटल एक्स वाई जेड किसके कोऑर्डिनेट थे, स्फीयर के थे, और जो स्मॉल एक्स वाई थे वो कॉम्प्लेक्स के थे। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन के पॉइंट को देखें स्फीयर के पॉइंट की फॉर्म में, तो वो इस तरह से होंगे एक्स और वाई, जेड वहां पे था ही नहीं, वो जीरो था। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स पॉइंट की वैल्यू देखें तो वो ये आएगी, ठीक है। तो इसको मार्क कर लो। अब नेक्स्ट हम डायरेक्ट करते हैं, या तो एक बार इस आर्टिकल को रीड कर सकते हो आप। यहां से हमने डायरेक्ट ये लिख दिया था एक्स और वाई आगे, ठीक है। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर अगर आप निकाल लो तो यहाँ पे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आएगा। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की आप यहाँ से स्फीयर से वैल्यू निकाल लोगे तो ये एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आपका जेड की फॉर्म में आ जाएगा। तो जेड हमारा वन तो नहीं है, तो वन माइनस जेड नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर जेड बाई में वन माइनस जेड हमारा हो जाएगा, ठीक है, डिफाइन हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद इन्होंने क्या किया है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये जस्ट एक कैलकुलेशन वर्क है सिर्फ देखने के लिए, इसको करना इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप लोगों को इसको जस्ट रीड करना हो तो आप कर सकते हो, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ कि जो फॉर्मूला है, यहाँ से हमने इसको जस्ट सॉल्व करके एक्स वाई और जेड निकाली है, कौन से वाले, कैपिटल एक्स वाई जेड, यानी कि जो स्फीयर के पॉइंट हैं, उन स्फीयर के पॉइंट को हमने निकाल लिया है किसकी फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स वालों की फॉर्म में। तो यहाँ से हमारे पास जो मेन है वो हमारा ये आर्टिकल है, इमेज ऑफ पॉइंट दिस ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन इज द पॉइंट एक्स वाई जेड ऑन द स्फीयर, ठीक है। ये हमारे पास एक्स वाई जीरो कॉम्प्लेक्स प्लेन वाले की स्फीयर पे इमेज क्या थी, एक्स वाई जेड, और ये एक्स वाई जेड की वैल्यू एक्स वाई जेड स्मॉल एक्स वाई जेड की, सॉरी एक्स और वाई की फॉर्म में ये आ गई है, ठीक है। तो अगर हमें बोला जाएगा कि आप स्फीयर के कोऑर्डिनेट निकाल लो, कॉम्प्लेक्स हमें पॉइंट दिए होंगे, तो हम इन फॉर्मूले का यूज करके पॉइंट निकालेंगे, ठीक है, जो स्फीयर पे उसकी प्रोजेक्शन क्या बनेगी, वो प्रोजेक्शन इस फॉर्मूले से निकलेगी। अब सेकंड मेथड है कि अगर हमारा जो रेडियस है वो, मतलब सॉरी, जो स्फीयर है वो रेडियस वन का हो और जो सेंटर है वो जीरो जीरो हो, तो हम किस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास स्फीयर डिफाइन हो जाएगा, नोटेशन और सेम उसी तरह से हैं। यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक्स और वाई आपके पास सेम वही आ रहे हैं फर्स्ट वाले ही, लेकिन आगे पॉइंट्स में चेंज आएगा थोड़ा सा, जो हमारी स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन बनेगी वो यहाँ पे टू एक्स वाई में वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे टू वाई आ जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आया। तो आपको दोनों के फॉर्मूलाज को लर्न करके रखना है कि जब हाफ रेडियस का सर्कल आए तब प्रोजेक्शन क्या बनेगी, जब वन रेडियस का सर्कल आए तब प्रोजेक्शन क्या बनेगी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन इसी टाइप से आएंगे कि आपके पास प्रोजेक्शन ये वाला स्फीयर है तो इसकी प्रोजेक्शन क्या बनेगी, ठीक है। तो आज सिर्फ ये फॉर्मूले तक करते हैं, एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।